बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेश टिप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ऑटोकैड में लाइन क्या काम करता है। ठीक है, हम आपको लाइन के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बिल का आइकन भी दबाइए ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लाइन लाइन इस जगह पर काम करता है। अगर आप ड्राइंग तैयार करें और इसमें कोई ट्रिमिंग वगैरह आप करें, लाइन वगैरह ट्रिम करें, तो इसमें भी काम करता है। और अगर आप यहाँ पर लाइन पर क्लिक करें, तो मैंने लाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर F8 से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये तुमने देख लिया कि F8 मैंने नहीं प्रेस किया है, इसलिए ये इधर 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 उधर जा रहा है। ठीक है, फिर हमने F8 प्रेस किया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ठीक है, प्रेस करें, हमने इसको दे दिया। पहले आप काम शुरू करने से पहले आप UN पर क्लिक करें और यहाँ पर इंजीनियरिंग पर क्लिक करें और इसके बाद 00 करें। ठीक है, और यहाँ पर फीट पर क्लिक करें। तुम फीट में काम करते हो तो फीट क्लिक, मीटर में काम करते हो तो मीटर क्लिक करें। ठीक है, हमने ये सेटिंग कर लिया। पहला आप इंजीनियरिंग में काम करें। ठीक है, अगर आप नक्शा तैयार करते हैं घर घर का या दुकानों का या मार्केट का, जो भी कोई भी चीज़ हो, तो आप पहला ऐसा करें। फिर लाइन की शॉर्टकट है L से, भी आप लाइन ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा काम करता हूँ। ठीक है, इस जगह दरमियान में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं इस जगह से लाइन ले लूँ, तो आप ऐसा करें कि ऐसा उसने पर राइट क्लिक करें और सेटिंग पर क्लिक करें, फिर यहाँ सेंटर पर यह जो ये चिक है ना, ये उसको चिक लगा दें और फिर ओके करें। ठीक है, मैंने L एंटर किया, यहाँ पर मैं ये दोनों एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक, ठीक है, मैंने उसने पर राइट क्लिक किया और उसने पर राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग पर आ गया। सेटिंग पर आ गया और यहाँ सारे चिक लगाए, जो चिक आपकी ज़रूरत है तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, ताकि आपकी कोने पर भी येलो निशान आ जाएगा और सेंटर भी पर आप सलाम ईमेल का वाली ईमेल। हाँ, यहाँ पर आ जाइए और राइट राइट क्लिक करें और सेटिंग पर ले जाए और यहाँ पर एंड पॉइंट लिखा है, मिड पॉइंट लिखा है, सेंटर, नोड्स, एक्सटेंशन, जो भी चीज़ आपको आपके काम आना काम में इस्तेमाल हो रहा है उसको चेक चेक दे। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ये थ्री चीज़ें हैं, ये आपको ज़्यादा काम में आता है। ठीक है, तो हम ओके पर क्लिक करें, फिर प्रेस करें हम L एंटर। L
एल जो है ना ये लाइन का शॉर्टकट है, एल ये लाइन है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ठीक है टेस्ट पेस्ट क्लिक करें तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है आप यहाँ से लाइन लेता है यहाँ पर ठीक है, तो स्पेस पर क्लिक करें तो आपका लाइन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ये सिलेक्शन जो है ना लाइन वाला वो ख़त्म हो जाएगा स्पेस से। ठीक है अगर का अगर आप अगर आप कोई घर का नक्शा बनाते हैं तो इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है लाइन, किसी जगह से आप ट्रिम करें या कोई या हुआ बाथरूम में या रूम में या डोर में किसी भी जगह इसकी इस्तेमाल ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये है लाइन का तरीका, लाइन किस तरह काम करता है तो हमने आपको बता दिया कि लाइन इस तरीके से काम करता है और लाइन की शॉर्टकट एल है। ठीक है ये था तरीका लाइन का AutoCAD की स्टेप वन में मैंने आपको बता दिया। स्टेप वन में हमने इंस्टॉलेशन सिखाया आपको और दूसरे स्टेप में आपको सेटिंग का तरीका बताया कि बार कहाँ कहाँ लगाना है, और इसके थर्ड स्टेप में हमने आपको AutoCAD शुरू किया, पहला लाइन से शुरू किया और फिर स्टेप वाइज हम आपको सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।